गाइस, सो वंस अगेन वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर राखी सिंह। टुडे अगेन आई एम बैक विद न्यू हॉल वीडियो व्हिच इज गोइंग टू बी अ ह्यूज हॉल अगेन एज ऑलवेज आई मीन एंड इट इज गोइंग टू बी अ बजट हॉल, वेरी पॉकेट फ्रेंडली। एंड आई एम श्योर यू गाइस गोइंग टू लव दिस वीडियो बिकॉज एवरीथिंग इज अंडर ₹500 एंड आई बॉट दीज थिंग्स फ्रॉम Amazon एंड Flipkart। For the people who follow me on Instagram, I know it's a long time pending haul, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने अपने Instagram पे already show कर दी थी, but since वहाँ पे link नहीं open होते हैं, so guys already know कि मैं जितनी भी चीज़ें Insta पे show करती हूँ सारी eventually मेरे YouTube पे तो आनी ही है, so थोड़ा late हो गया, sorry for that, but definitely this is going to be a huge haul, so it's going to be a winter haul majorly। दो तीन चीज़ें हैं जो summer के हिसाब से भी है। And everything is under ₹500. I bought these things from Amazon and Flipkart. And yeah, that's it. I hope you guys like this video. If you do, then you know the drill. Like, comment, share, and subscribe video. And now let's move to the video without any further ado. Alright, so I have got turtle neck and sweatshirt. So first we will start with turtle neck. Okay, so starting with the first turtle neck, which is my favorite as well. This is a polka dot turtle neck. This is from the brand Illy London. As you can see, and the original price of this one is $14.99, since that's what they have mentioned, and ये red and white के color combination में आता है। polka dot आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा trend में है। ये short sleeves के साथ आता है, body hugging है, क्योंकि इसका जो fabric है ना वो थोड़ा सा elastic और polyester type का fabric है, तो आप इसे winter में jackets के साथ और summer में normally भी पहन सकते हैं। This will look really really pretty, थोड़ा party look भी देता है, that's why it's really pretty। इसे कैसे भी अच्छे से style कर सकते हैं। I really really liked it, it was super affordable, I think $350 or $400 around इसका price था, after discount or after you can say whatever, and इसका जो fabric है वो हो सकता है कि summer में थोड़ा सा like May June वाली गर्मी के लिए इतना appropriate नहीं है, but अगर आप office going है जहाँ पे AC पूरे time चलता रहता है, then this is definitely perfect, बहुत ही pretty लगता है, color is not that bright red, it's kind of maroon, so बहुत ही ज़्यादा pretty है, which enhance the look more, and yeah, length भी अच्छी खासी है इसकी, short sleeves के साथ है, this is the first turtle neck. Now coming to the next one, next turtle neck, which is a black cut sleeves or sleeveless turtle neck. ये फ्रंट में जिप क्लोजर के साथ आता है, लाइक नॉट पूरा, बस नेक तक, यहाँ तक थोड़ा सा जिप है इसका, एंड इसका फैब्रिक भी अगेन यू कैन से पॉलिएस्टर टाइप है, एंड अगेन ये वाला टर्टल नेक भी बहुत ही स्ट्रेचेबल है, एज यू कैन सी। नाउ ये वाला जो फैब्रिक है, आई सीरियसली बिलीव कि कभी भी यूज हो जाता है, लाइक समर में, विंटर में, समर में, क्योंकि स्लीवलेस है एंड काफी अच्छा सा फैब्रिक है, काफी बटरी लगता है स्किन पे, एंड विंटर्स में जैकेट के साथ आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी एक टर्टल नेक है ब्लैक कलर का, जो वो भी स्लीवलेस है, एंड वो वाला भी मैंने अमेजोन से लिया था, उसकी क्वालिटी सुपर्ब है। पॉसिबल होता तो मैं उसका लिंक दे देती, बट सिंस इट्स आउट ऑफ स्टॉक, एंड वो वॉर्म है, वो निटेड वाला फैब्रिक है, प्रॉपर वो वुलन टर्टल नेक है, एंड मोस्टली सिर्फ विंटर में यूज कर सकते हो, मैं उसे समर में यूज नहीं कर सकते हो, बट दिस वन यू कैन ऑल्सो यूज इन समर्स। थोड़ा सा स्पोर्टी और कैजुअल वाला लुक देता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस जिप क्लोजर इन द फ्रंट, इसकी वजह से ये काफी इसकी वजह से ये नहीं, इन द बैक है ये, ओके सॉरी, सो जो जिप क्लोजर है ना वो फ्रंट में नहीं है, बैक में है, इसमें कोई लेबल नहीं, इसलिए मुझे मैं कंफ्यूज हो गई थी, बट वो फ्रंट का नहीं है, वो बैक का है, एंड ये फ्रंट से बहुत ही प्लेन सा लुक देता है, तो अगेन आप इसे पार्टी लुक में, कैजुअल लुक में, स्पोर्टी लुक में कभी भी यूज कर सकते हैं, एंड या दिस इज द नेक्स्ट वन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट व्हिच इज माय फेवरेट टर्टल नेक, एंड दिस इज अगेन फ्रॉम Amazon, एंड दिस इज सो गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव द कलर, दिस इज नॉट पिंक, दिस नॉट पर्पल, दिस वेरी सटल सा, अच्छा सा, प्रिटी सा कलर है, बहुत ही, एंड बहुत अच्छा सा लुक देता है, लाइक फेस पे ग्लो देता है अच्छा सा, एंड इसकी फुल स्लीव्स के साथ आता है, लाइक जो इसकी स्लीव्स है ना, इसका जो पूरा ओवरऑल फैब्रिक है वो इतना ज़्यादा बटरी है कि आपकी बॉडी पे एकदम अच्छे से हग कर लेता है, एंड इट कीप्स यू वार्म। सेकेंड थिंग आई लव दैट इट्स कम्स विद अ रोल अप नेक लाइन, लाइक टर्टल नेक है लेकिन रोल वाले, एक होता है ना स्ट्रेट रहता है, एक होता है जिसमें आप डबल लेयर कर सकते हो, सो दिस इज डबल लेयर वाला, दिस इज रियली रियली प्रिटी। द प्राइस ऑफ दिस वन वॉज समवेयर अराउंड $350, सुपर डुपर अफोर्डेबल एंड रियली रियली नाइस, इट्स फुल कम्प्लीटली फॉर विंटर, बट अनफॉर्चुनेटली आई गेस व्हेन आई बॉट इट, इट वॉज आउट ऑफ स्टॉक आफ्टर दैट, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें इस तरह जब शेयर की थी तो फिर वहाँ पर ही उन लोग काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया कि इट्स आउट ऑफ स्टॉक, सो आई कांट हेल्प इट, आई ट्राई टू फाइंड आउट कि इसमें और कोई कलर होगा या सिमिलर फैब्रिक टाइप का मुझे कुछ मिल जाएगा, तो आई डेफिनेटली प्रोवाइड अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन श्योरली गो फॉर समथिंग लाइक दिस। इस विंटर में ना मैंने लिटरली रियलाइज किया है दैट टर्टल नेक्स आर बेस्ट, लाइक यू कैन यूज देम फॉर मेनी थिंग्स, आप इसे एथनिक के साथ, इंडो वेस्टर्न के साथ, लाइक विद, यू कैन यूज इट विद
any of your look, and these are really nice option for winter especially. So yep, this is the next turtleneck. Super duper amazing fabric, quality is great. So it's one of my favorite turtleneck. Coming to the next turtleneck, but unfortunately iska clip mere se delete ho gaya hai, so that's how I'm going to do it. It's a voice over, but I hope you guys understand. Anyway, so this is a black turtleneck, comes with a zip closer front mein chota sa jisse sporty look aa jata hai. And again, ye bhi t-shirt wala fabric hai, perfect for gym going girls. Like if you are looking for something for gym, for casual wear, for airport look, then definitely you can go for these type of high necks. And high necks na bahut acha sa ek amazing sa look aata hai. They give a very nice dimension to all over your look, and you can watch me on Instagram to see how I like to style my turtlenecks. And yeah, that's it. Now coming to the last turtleneck, which is this one. It's a grey turtleneck, but again पहले बता दूं दैट दिस इज नॉर्मल टी शर्ट वाला फैब्रिक, नो विंटर के लिए. आप इसे वार्मर की तरह यूज कर सकते हो, लाइक यू कैन वेयर इट एंड इसके ऊपर से आपने जैकेट पहन लिया, स्वेटर पहन लिया, जस्ट टू कीप यू वार्म. मतलब लेयरिंग में आप इसको यूज कर सकते हो, या फिर आप इसे जिम में यूज कर सकते हो. बट अदरवाइज इज ओके ओके, ऑल दो पहनने के बाद बहुत अच्छा लगता है. फैब्रिक भी काफी स्मूथ सा है. बट इफ यू लुकिंग फॉर अ प्रॉपर टर्टल नेक, देन इट्स नॉट अ प्रॉपर टर्टल नेक, इट्स जस्ट अ नॉर्मल टर्टल नेक, टी शर्ट टर्टल नेक बेसिकली. एंड इसको आप जिम में या फिर लेयरिंग के लिए या फिर आप कहीं ट्रैवल वगैरह लाइक कैजुअल लुक में यूज कर सकते हो विद योर जीन्स. एंड या दीज वर द टर्टल नेक्स. नाउ लेट्स मूव टू द स्वेट शर्ट्स. ओके, सो फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद माय फेवरेट स्वेट शर्ट, एंड दिस इज रियली 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 नाइस. लाइक द फैब्रिक क्वालिटी इज सो सो गुड, एंड द डिजाइन, द पैटर्न, इट्स सीरियसली नाइस. लुक एट दिस, दिस इज अ स्पोर्टी काइंड ऑफ अ स्वेट शर्ट. एंड ये भी कॉटन सा फैब्रिक है, आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी, बट इट्स नॉट दैट हैवी फैब्रिक वाला जो विंटर में स्पेशली होता है स्वेट शर्ट, वैसा नहीं है. बट इट्स नाइस स्वेट शर्ट, लाइक आपने अंदर से कुछ भी ऐसा वार्मर टाइप का पहन लिया, एंड उसके ऊपर से आप स्वेट से पहन सकते हो, स्वेट शर्ट पहन सकते हो. एंड ये फ्रंट में जिप क्लोजर के साथ आती है, जिसकी वजह से स्पोर्टी लुक देता है इसे. यहाँ पे व्हाइट स्ट्राइप है स्लीव से लेके पूरे लाइक आपके वेस्ट लाइन पे, एंड पीछे से कुछ इस तरह से लगती है. दिस इज रियली रियली प्रिटी एंड वेरी वेरी स्पोर्टी, लाइक ये फॉर्मूला वन रेस वाले नहीं होते, उसके टाइप का थोड़ा सा लुक देती है. You can style these type of sweatshirts with many things. The size I bought in this one is L. So, मैंने intentionally L लिया था क्योंकि मुझे loose sweatshirts अच्छे लगते हैं. Because I feel कि अगर आपके पास loose वाली sweatshirt है ना, तो ना आप उसे बहुत सारे ways में style कर सकते हो. As I said के turtleneck है अगर आपके पास, तो turtleneck पहनो and ऊपर से sweatshirt डालो, तो look भी अच्छा आ जाएगा और आपको warm भी रखेगा वो. So, this is from the brand Metronaut. And this is how it looks. Again, super duper affordable. 350 or 400 was the price. So yeah. Now coming to the next sweatshirt, and this is how it looks. It's a black and yellow or a mustard type of a sweatshirt. यहाँ पे लिखा हुआ है whatever. ये zip closure is like full zip वाली sweatshirt है ये, जिसे आप open करके भी पहन सकते हो. These are again perfect for casual look. Zip वाली जो sweatshirts होती है ना, उनका एक और best part होता है कि आप इसके ऊपर ना like आपने कुछ भी पहना है ना, इसे ऊपर से डाल लो. Like आप gym जा रहे हो, या फिर आपको casual look create करना है, airport look create करना है, या फिर travel कर रहे हो, तो ऊपर से इसको डाल लो. एंड इट जस्ट कीप यू एकदम मिनिमल वाला वॉर्म जितनी की रिक्वायरमेंट है. एंड द अनदर बेस्ट पार्ट दैट दिस कम्स विद अ हुडी एज वेल, एंड फुल स्लीव्स के साथ आती है. जो स्लीव्स हैं यहाँ पे एजिस पे, हेम पे, यहाँ पे इलास्टिक दिया हुआ, इलास्टिक डिटेल दी हुई है. अगेन ये भी थोड़ा स्पोर्टी वाला लुक देती है, थोड़ी सी वॉर्म है, इतनी ज्यादा वॉर्म नहीं है. यू कैन सी द फैब्रिक, दिस इज अगेन फ्रॉम द ब्रांड Metronaut. द साइज आई बॉट इन दिस वन इज ऑल्सो एल, क्योंकि थोड़ा सा लूज होता है ना, उससे कम्फर्ट, मतलब आई फील मोर कम्फर्टेबल इन दैट. So yeah, this is the next one. Again, it's very normal sweatshirt. Not that extraordinary. Maybe you can check out some other colors or something else. अगर आपको zip वाला ही चाहिए तो वो ज़्यादा better option मिल जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है. बाकी yeah, this is the next one. Next up, I got this white sweatshirt with a hoodie. Like बहुत ही rare ऐसा होता है कि white sweatshirt में आपको hoodie मिल जाएगी. And this comes with a hoodie. Again, ये भी थोड़ा सा sporty हो जाता है. ये भी जो भी टेक्स्ट लिखा होता है ना, या फिर थोड़ा सा उसमें स्ट्राइप्स दे दिया, कुछ भी दे दिया ना, उससे लुक जो है ना, ओवरऑल आउटफिट का लुक थोड़ा स्पोर्टी साइड पे चला जाता है. सो आई दैट्स व्हाट आई फील बेसिकली. सो इट हैज रिटन कीप इट रियल, यहाँ पे रियल लिखा है. सो दिस इज अ नॉर्मल स्वेट शर्ट. ये यहाँ पे नीचे यहाँ पे क्लोजर है. एक्चुअली सबका बैड पार्ट है ना कि किसी में भी पॉकेट्स नहीं है. लाइक जितनी भी मैंने स्वेट शर्ट दिखाई ना, इसमें किसी में भी पॉकेट नहीं है. एंड व्हाट इज अ स्वेट शर्ट विदाउट अ पॉकेट मैन, सो दैट्स अ लिटिल डिसएडवांटेज. एनीवे फैब्रिक क्वालिटी इज ऑल्सो गुड.
So yeah, this is the next sweatshirt. Okay, now coming to the last sweatshirt or the last product of this whole video. Yes, so this is again a sweatshirt and again ये थोड़ी cotton वाली sweatshirt है, like t-shirt type की sweatshirt है. अपने sporty look में इसको भी आप use कर सकते हो. The main reason I bought it because of the color. The color is really really nice. It's very pretty color. यहाँ से नीचे से इसमें thread detailing है, rope detailing है sorry. इसको आप tie करके cinch कर सकते हो waist को अपनी. इसमें भी pockets तो नहीं है. यहाँ पे कुछ कुछ टेक्स्ट लगा लिखा हुआ है. इट हैज रिटन इलेक्टिवली सोशल एंड विच इज नॉट वेरी मच विजिबल विच इज द बेस्ट पार्ट. एंड दिस इज फ्रॉम द ब्रांड फ्लाइंग मशीन विच इज अ रियली नाइस ब्रांड. लाइक पहले तो बहुत ही ज्यादा अच्छा ब्रांड था, अभी आई एम नॉट श्योर कैसे रिव्यूज है नहीं, बट आई हैड वन जीन्स फ्रॉम फ्लाइंग मशीन एंड इट वॉज रियली नाइस. एंड द साइज आई बॉट इन दिस वन इज एम विच इज अ परफेक्ट फिट. लाइक लूज नहीं, उतना टाइट नहीं है ना कि इतना ज्यादा लूज है. इट्स वेरी नॉर्मल साइज. So you can, if you want, you are my body type, then you can go for M, and if you like L, then go for L or S, whatever your size is. Anyway, ऐसी वाली चीज़ें मेजरली जब यूज़ होती है, लाइक आप ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ पे AC रहता है. जहाँ पे भी आप समर पे ट्रैवल कर रहे हो लेकिन AC रहने वाला है और आपको नहीं, आपको कुछ विंटर वाला भी नहीं पहनना है, यू जस्ट वॉन्ट अ लिटिल वॉर्म, लाइक मिनिमल वॉर्म, तो उसके लिए एकदम परफेक्ट है. एंड ट्रैवल वगैरह के लिए तो ऑब्वियसली काफ़ी ट्रैवल फ्रेंडली होते हैं ऐसे लूज वाले कपड़े, एंड दे लुक वेरी कूल एज वेल. So yeah, this is the last product, and if you guys like this haul video, do let me in the comment section. I definitely come up with new haul videos. I'm just trying to make 2 videos every week, but since I'm very very busy and I don't know why I'm busy, seriously. Anyway, so yeah, that's it, and thank you for watching. Milte hain next video mein. Till then, bye.